नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार, मैं हूं साक्षी पत्रा। नमस्कार, हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में मैं हूं आपके साथ सुमित। भारतीय बाजारों में तो गिरावट गहराई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर हो रहा है वो है आइडिया के ऊपर। आइडिया के शेयर के ऊपर आप नजर डालें, 27% ऊपरी स्तरों से शेयर अब इरोड हो चुका है और करीब 100 रुपए के स्तरों पर अब आया है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले इसने 98 रुपए तक के भाव भी दिखाए थे, यानी कि करीब करीब ऊपरी 27% तक की गिरावट देखने को मिली। 72 रुपए ये आइडिया और वोडाफोन के जो विलय को लेकर एक भाव तय हुआ है, डील जो है 72 रुपए प्रति शेयर के दाम पर तय हुई है, जिसके बाद इस शेयर में एकाएक गिरावट गहराई है और ये गहराकर अब दिन के निचले स्तरों के आसपास आ गया है। रादर सुबह आज जिस तरह की डील की खबर आई थी, उस खबर के बाद एकाएक तेजी आई थी शुरुआत में आइडिया के शेयर में और करीब 11% ऊपर था और वहां से गिरावट गहराते हुए दिन के निचले स्तरों पर ले आई। 7-7.5% के आसपास गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है और डे लो के आसपास ही आइडिया अभी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा कुछ और शेयरों पर नजर डालें तो आज मिड कैप स्मॉल कैप में तो हालांकि हरा निशान है, लेकिन बाकी जो गिरावट है वो आईटी स्पेस में है। 1% नीचे आईटी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। आइडिया की वजह से जो टेलीकॉम स्पेस है वो भी करीब करीब अब 1% नीचे कामकाज करते हुए, और रादर जो पूरा इंडिसेस है वो भी दिन के निचले स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है, लेकिन ब्रॉडर बेस अभी भी बाइंग है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी हरा निशान में ही कामकाज कर रहा है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मिस्टर राजेश सतपुते हैं और साथ ही मिस्टर संजीव जैन हैं, जो कि आज के इस सेशन में हमारी मदद करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। फटाफट से आपको तरीका भी बता देते हैं, इस शो के जरिए आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री लाइन हमारी खुल चुकी है 1-800-1803545। साथ ही आपको एक ऑल्टरनेट लाइन भी दी गई है 01204258237 पर भी कॉल करके अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए लगातार आपका बाजार आपके साथ जुड़ा रहता है और माध्यमों के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और दिल्ली स्पेशल है आज, और पहले आधे घंटे में हम लगातार दिल्ली के दर्शकों से सवाल लेंगे और आज के जो पहले दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। ईशा है हमारे साथ, नमस्कार ईशा, पूछिए। ईशा, हाँ जी, जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हेलो जी ईशा, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, बताइए। मेरा M&M का 200 शेयर है। M&M फाइनेंस या फिर M&M? हाँ जी, M&M फाइनेंस। ठीक है, आपने 295 के भाव पर खरीदा हुआ है। हाँ, आप कितने समय तक बने रह सकते हैं अपने निवेश पर? वही 1-2 मंथ। 1-2 मंथ्स का आपका नजरिया है, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर सतपुते, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आपसे होगा, छोटी अवधि का इनका नजरिया है, M&M फाइनेंस में इन्होंने निवेश किया हुआ है, अच्छे मुनाफे पर भी है, 295 का इनका परचेजिंग प्राइस है। अब आगे जाते हुए 2 महीने की चाल कैसे लग रही है? मॉर्निंग एवरीवन। देखिए यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का जो डेली चार्ट है वहाँ पे जो 200 DMA लेवल हमें दिखता है वो रफली है 300 के आसपास, वेर एज जो चैनल है वो चैनल का रेजिस्टेंस बनता है रफली 316 के आसपास। सो यू कैन से 300 and 316 एक अहम डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन जोन है, लेकिन ओवरऑल मुझे स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। मुझे लगता है कि उन्हें होल्ड रखना चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 300, और इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट जैसे मैंने कहा 316 के ऊपर अगर चला जाएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी रफली 340 तक। मैंने इन्हें होल्ड इसलिए कहा क्योंकि पिछले हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 सेशन से M&M फाइनेंस में एक शॉर्ट कवरिंग रैली है। हालांकि आज मार्केट थोड़ा प्रेशर में है इसलिए M&M भी थोड़ा सबड्यूड हो सकता है, सो मैं भी थोड़ा यहाँ से 4-5 रुपये का एक करेक्शन आ सके, बट लेकिन ओवरऑल उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपायरी के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। सो वॉच 316 लेवल कीनली, 316 के ऊपर ब्रेकआउट मिले तो डेफिनेटली 340 का लेवल मिलेगा। जी, तो 316 के ऊपर 340 तक की चाल आ सकती है, आप उसके हिसाब से उसमें अपनी पोजीशन रख सकते हैं। आरके गुप्ता दिल्ली से अगले दर्शक हैं। गुप्ता साहब नमस्कार, गुप्ता साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। सुब्रॉस को लेकर सवाल था, 100 शेयर में 104 रुपये के भाव पर खरीदारी है, 197 आ चुका है, मुनाफा अच्छा खासा है, क्या करना चाहिए संजीव इन्हें सुब्रॉस को लेकर? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए क्योंकि इनकी खरीदी प्राइस से सुब्रोज यू नो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो मेरी इन्हें यहाँ सलाह होगी कि ये स्ट्रेटेजी वाइज ये अपने 50 शेयर्स को सेल करें और लेफ्ट स्टॉक इनके फ्री के शेयर्स हो जाएंगे। और देखिए सुब्रोज एक अच्छी कंपनी है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और देखिए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ऑटो सेक्टर में अच्छा प्रेजेंस है कंपनी का, और यू नो फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी हमें लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल गोइंग फॉरवर्ड इम्प्रूव होंगे, तो डेफिनेटली सुब्रोज में होल्ड की सलाह होगी। तो स्ट्रेटेजी वाइज 50 शेयर सेल करें, 50 शेयर फ्री के इनके हो जाएंगे, देन कीप इट ऑन होल्ड। श्योर, चलिए, तो सुब्रोज को लेकर भी आपको राय मिल चुकी है। हमारे साथ प्रशांत जुड़े हैं आप दिल्ली से, नमस्कार प्रशांत, पूछिए। हेलो जी प्रशांत, पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी मुंजाल ऑटो के शेयर से बाइंग प्राइस 114 रुपए का है, ठीक है,
ठीक है, क्वांटिटी मैंने 2500 के अंदर करके लिए थे हमने, तो अराउंड 3000 की क्वांटिटी इकट्ठी हुई है। चलिए फिलहाल बहुत स्लाइट लॉसेस अभी आपको हो रहे हैं, कुछ समय दे सकते हैं अपने निवेश को, और 3 महीने दे सकते हैं। 3 मंथ्स का आपका नजरिया, ठीक है। राजेश क्या सलाह देंगे, यहाँ पर मुंजाल ऑटो पर 114 रुपए की इनकी खरीद है, काफी एवरेजिंग करके नीचे जरूर लेकर आए हैं, आज अपटिक्स नजर आ रहे हैं शेयर पर। देखिए मुंजाल ऑटो का जो डेली चार्ट है वो बेहद ही स्ट्रांग है, अगर इसका प्राइस पैटर्न देखो जैसे इट्स अ क्लियर कट सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है, और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मेशन होने के बाद इट इज़ कंसोलिडेटिंग अबव इट्स 200 DMA लेवल विच इज़ समवेयर नियर 94 रुपीज़। सो मुझे लगता है कि इन्हें होल्ड रखना चाहिए। आप जैसे आपने कहा 3 महीने का आपका नजरिया है, तो आपका जो 114-115 जो प्राइस है वो तो डेफिनेटली आएगा, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग टेक्निकली मुझे लगता है देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि एक बार 114-115 का जो रेजिस्टेंस है वो भी निकाल के 130 तक जा सकता है, तो आप इसे होल्ड रखें, घबराइए नहीं। मुझे लगता है कि 94-95 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। जी इस बीच एक रिपोर्ट एम्बिट की आई है, अभी आइडिया और वोडाफोन को लेकर ये रिपोर्ट आई है, इन्होंने मर्जर में आइडिया का वैल्यूएशन 110 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पर तय किया है। इसके अलावा साथ साथ जो आउटकम आ रहा है वो ये कि ओवरऑल जो विलय है एक सिंक होगा, और इस विलय के बाद जो सिचुएशन होगी दोनों कंपनियों की, जो नई एंटिटी होगी उसकी सिचुएशन थोड़ी बेहतर ही होते दिखाई पड़ेगी। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होगी, और सेक्टर में जो कंपटीशन है उससे काफ़ी हद तक इनको रिलीफ भी आता दिखाई पड़ेगा। वैल्यूएशन 110 रुपये रखी गई है, लेकिन क्योंकि इस रिपोर्ट से कुछ देर पहले यहाँ पर आइडिया और वोडा के जो विलय का भाव आया है, इसलिए ये देखना होगा कि री थिंक या रीवैम्प तो नहीं करते अपने इस पूरी ही वैल्यूएशन को। लेकिन आइडिया फिलहाल 99-20 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। एक राय संजीव आपकी चाहेंगे, आइडिया वोडाफोन को लेकर ये खबरें लगातार थी, और इस खबरों के बाद अब इसका प्राइस भी आता हुआ, डिटेल भी आते हुए रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, आप क्या राय रखते हैं आइडिया को लेकर, क्या करना चाहिए? अगर किसी का पुराना निवेश पड़ा है तो क्या करें, कोई नया निवेश करना चाहता है इस डील के बाद तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए सुबह जैसा मैं कंटिन्यू आपके शो में कहता आ रहा हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर में एक इंटेंस प्रेशर क्रिएट हुआ है, रिलायंस जियो के लॉन्च होने से काफ़ी हद तक प्राइस कंपटीशन काफ़ी बढ़ा है, जिसके कारण देखिए कंसोलिडेशन मर्जर होना ही था। जैसे आइडिया वोडाफोन का अभी हम लोगों को देखने को मिला, लाइक एयरटेल से टेलीनॉर की भी डील बात चल रही है, फिर भी मैं आइडिया और वोडाफोन की कंबाइंड बात करूँ तो देखिए गोइंग फॉरवर्ड ये देश की बड़ी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो जाएगी, और देखिए अभी वैल्यूएशन को कर कुछ भी कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, तो प्रॉपर एनालिसिस होने के बाद ही मैं इस पर कुछ कमेंट कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आइडिया के लिए एक पॉजिटिव डील है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो आइडिया में होल्ड करके रख सकते हैं। हम मानते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड ये डील विन विन सिचुएशन, बोथ वोडाफोन और आइडिया दोनों के लिए विन विन सिचुएशन की ही काम करेगी, तो होल्ड करके रखें।